हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमपीपीएससी का बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस और पर्यावरण के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य नीति के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, एमपीपीएससी में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य नीति के ऊपर में दो चार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ना है और ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य नीति के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य जो होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ होता है। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और स्वस्थ आत्मा होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे स्वास्थ्य नीति के बारे में। तो भारत सरकार ने समय समय पर स्वास्थ्य जागरूकता के लिए नीतियाँ बनाता रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी के 30 साल बाद पहली बार 1983, तो आज़ादी के 30 साल बाद की बात नहीं है दोस्तों, ये आज़ादी के 36 साल बाद की बात है। आज़ादी के 36 साल बाद 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई। तो एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब पेश की गई। तो 1983 में, आज़ादी के 36 साल बाद, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उससे 36 साल बाद 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति, पहली बार भारत में स्वास्थ्य नीति पेश की गई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2002 में यानी कि 36 साल के बाद, सीधे 49 साल बाद, ठीक है दोस्तों। तो सीधे 53 और तो दोस्तों, आज़ादी के 55 साल बाद दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई। तो पहली स्वास्थ्य नीति 36 साल बाद 1983 में आई थी और दूसरी स्वास्थ्य नीति 55 साल बाद 2002 में आई थी। तो दोस्तों, दूसरी स्वास्थ्य नीति की शुरुआत जो है 2002 में की गई थी। एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई। तो 2002 में आई। कब आई दूसरी स्वास्थ्य नीति? 2002 में आई। पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में आई दोस्तों। तो इस तरह से भारत में स्वास्थ्य के ऊपर तीन नीतियां बनाई जा चुकी है। पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में आई। तो तीनों स्वास्थ्य नीतियों की डेट आपको याद रखना है दोस्तों, कि पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में आई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत तीसरी स्वास्थ्य नीति। तो दोस्तों, बात करेंगे हम निश्चित तौर पर नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सभी आयामों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन एवं वित्त पोषण करने, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इन स्वास्थ्य नीतियों को लाया गया। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तीसरी स्वास्थ्य नीति। तो तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है वो वर्ष 2017 में लाई गई। इस नीति का नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि तीसरी स्वास्थ्य नीति जो थी, पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई थी, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई थी और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी। तो तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य नीति के क्या उद्देश्य थे, ये एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहला तो है स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश। तीसरी स्वास्थ्य नीति का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना था, ताकि अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा सके। दूसरा उद्देश्य था दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधा और सेवाओं की व्यवस्था की जा सके। और तीसरा उद्देश्य था दोस्तों, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिले। चौथा उद्देश्य था खतरनाक और रोगों की रोकथाम की जा सके। पांचवा उद्देश्य था दोस्तों, तकनीकी को बढ़ावा देना। छठवां उद्देश्य था दोस्तों, इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुरक्षित सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना था। इसके अलावा दोस्तों, इसी नीति का यानी तीसरी स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य था कि एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल नीति का विकास हो। इसके अलावा दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना बेहतरीन और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। मतलब कि तीसरी स्वास्थ्य नीति जो वर्ष 2017 में आई, इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना था दोस्तों।
इसके बाद में अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जो तीसरी स्वास्थ्य नीति थी उसके क्या लक्ष्य थे। तो दोस्तों तीसरी स्वास्थ्य नीति MPPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि तीसरी स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं आई, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाएं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर संभावित स्तर को हासिल करना ही स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रमुख उद्देश्य था। गरीबों पर बिना आर्थिक दबाव के उत्तम इलाज की व्यवस्था उपलब्ध करवाना था और स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 तक करना है। इसके अलावा दोस्तों सतत लक्ष्यों के मूलभूत महत्व का उल्लेख भी स्वास्थ्य नीति 2017 में किया गया। 2025 तक मौजूद जीवन प्रत्याशा, जो कि अभी 67.5 वर्ष है, यानी कि मध्य भारत में लोगों की जो औसत आयु है, जीवन प्रत्याशा जो है वो 67.5 वर्ष है, 67.5 वर्ष है, इसे 70 वर्ष करना यानी 2.5 साल बढ़ाना, ये स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC में आ सकता है कि वर्तमान में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष की है, तो यह है 67.5, और तीसरी नीति के अनुसार अपेक्षित जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो वह है 70 वर्ष। तो वर्तमान मौजूदा जीवन प्रत्याशा जो है 67.5 वर्ष है और अपेक्षित जीवन प्रत्याशा जो है वो 70 वर्ष है। तो इन दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2025 तक 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना भी तीसरी स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा 2020 तक मातृ मृत्यु दर को भी पूरी तरह से समाप्त करना स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों पर पूर्ण रूप से रोकथाम और वर्ष 2025 तक TB को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको स्वास्थ्य नीति 2017 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में दोस्तों विभिन्न सेवाओं का प्रबंधन और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। नए नए हॉस्पिटल खोले गए तहसील स्तरों पर, ग्रामीण स्तरों पर उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई और वहां पर कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था की गई ताकि लोगों को सही समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो दोस्तों हमारे देश में तीसरी स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत बहुत ही सराहनीय कदम उठाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में विभिन्न रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान न देते हुए आरोग्यता पर ज़्यादा बल दिया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर हम आरोग्य रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि रोकथाम से किसी चीज़ की सावधानी से अच्छा है कि उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर ले। इसका मतलब यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन को बल देते हुए रुग्णता की देखभाल की बजाय आरोग्यता पर फोकस किया गया और इस नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए, जिससे कि निजी से निजी क्षेत्र में भी सुदृढ़ भागीदारिता की परिकल्पना की गई। और स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत के हर गरीब तबके और समाज के अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके और लोगों का उचित इलाज हो सके, इसलिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गई। हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा आरोग्य योजना चालू की गई और बहुत सारे आपके स्वास्थ्य के ऊपर में योजनाएं तैयार की गई और कार्ड बनाया गया, आयुष्मान कार्ड बनाया गया और बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिए अस्पतालों में 2 बिस्तर की उपलब्धता का लक्ष्य हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देश जो है यहाँ पर आज भी 1000 आबादी के पीछे 2 बिस्तर वाला हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इसके पीछे अभी प्रयासरत है। पता नहीं कब पहुँचेगी इस मंजिल तक, लेकिन जरूर पहुँचेगी, एक कारवां तो निकल पड़ा है, मंजिल तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो दोस्तों 1000 लोगों के लिए 2 बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2017 की स्वास्थ्य नीति में।
ठीक है दोस्तों, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। 1000 लोगों पे 2 बेड वाला हॉस्पिटल लाने की बात कही गई थी 2017 की स्वास्थ्य नीति में, ताकि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके। तो दोस्तों अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आपातकाल की स्थिति हो गई थी, जिसमें रेल मंत्रालय ने अपने रेल कोच के डिब्बे भारत के स्वास्थ्य विभाग को दान कर दिया था और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। तो ये भी MPPSC के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किस विभाग ने कोरोना काल में अपनी पूरी सहयोग प्रदान किया स्वास्थ्य विभाग को। तो रेल विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को अपने कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की पूरी सहायता प्रदान किया, जिससे हमने कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ी जंग जीती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस नीति में वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाएँ, निदान और निःशुल्क आपात व अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। तो दोस्तों हमारे देश में कोरोना से लड़ने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, और दो हाथ दो गज दूरी और डेटॉल से हाथ धुलो आपको तो पता ही है, और मास्क भी जरूरी, 2 गज है जरूरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कोरोना को हमने लगभग हरा दिया है, और कोविशील्ड भारत के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है, ये भी क्वेश्चन MPPSC में आ सकता है। और भारत ने हमारे देश में बनाई हुई वैक्सीन को बांग्लादेश और अन्य देशों को भी भेजा है, बहुत ही दयावान है हमारा देश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई। तो दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत त्रिआयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई, जिसमें क्रॉस रेफरल, सहस्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल है। तो इसमें अब हम प्रमुख योजनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी योजना चली थी जननी सुरक्षा योजना 2005। तो दोस्तों भारत में जो स्वास्थ्य योजना आई थी जननी सुरक्षा योजना, तो आप लोगों ने दोस्तों वो सुक्ति तो सुना ही होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो उसी माता की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की। तो MPPSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ये 2005 में की गई थी दोस्तों, जिसमें हमारी माताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल योजना चालू की गई 2005 में, जिसे जननी सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। और हम लोग सीधे एम्बुलेंस का नंबर डायल कर सीधे घर में एम्बुलेंस बुलाकर जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016। MPPSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब से चालू किया गया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 से प्रारंभ किया गया, ये भी MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें गर्भावस्था के दौरान बच्चे और माता की जन्म दर और मृत्यु दर को सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष की। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य उचित टीकाकरण करने के लिए किया गया था। MPPSC में सीधे क्वेश्चन आएगा कि मिशन इंद्रधनुष किस लिए चलाया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष 2020 तक बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें जिन बच्चों को टीके नहीं लगे हैं, जैसे डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसे 7 बीमारियों को, गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं, उन 7 टीकों के वजह से इस मिशन का नाम इंद्रधनुष रखा गया है दोस्तों। क्योंकि इंद्रधनुष में भी 7 कलर होते हैं, जिनका नाम होता है बैजानी हपिनाला, यानी कि बैगनी, नारंगी, हरा, लाल, पीला, लाल, गुलाबी, जो भी है, जो बैजानी हपिनाला, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं दोस्तों। जब आप किसी प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये 7 खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को 7 टीके लगाए जाते हैं, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो इन 7 बीमारियों से बचने के लिए जो 2020 तक बच्चों को टीकाकरण का अभियान चालू किया गया है, उसे ही मिशन इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और मिशन इंद्रधनुष 2014 से चालू किया गया था दोस्तों। तो MPPSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष कितनी बीमारियों से बचाता है या कितनी बीमारियों के लिए टीकाकरण से संबंधित है। तो 7 बीमारियों से टीकाकरण के लिए संबंधित है, और ये 2014 में चालू किया गया था, 7 × 14, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते इसके बाद में हम बात करेंगे पोषण अभियान की। तो दोस्तों न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो
तो मैंने कल आपको जो है दोस्तों आहार और आहार उचित आहार के बारे में पढ़ाया, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पोषण अभियान की। तो भारत में पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में पोषण अभियान यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी, और बच्चों बालिक महिलाओं और गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण की कमी को सुधारने के लिए पोषण अभियान 2018 में चालू किया गया था दोस्तों। तो बच्चों का विकास करना और कुपोषण व एनीमिया पर ध्यान देना ही पोषण अभियान 2018 के प्रमुख उद्देश्य थे। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आएगा कि पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 2018 में हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत की गई। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से अधिक बच्चों में 4 परेशानियों की जाँच करना है, विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता आदि की रुकावट की जाँच करना इसमें शामिल है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट योजना के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कर दिया गया है। इस महिलाओं के द्वारा महिलाओं को सरकार के द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहली जीवित बच्चे के होने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है दोस्तों। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 6वीं योजना है, इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी दोस्तों। राष्ट्रीय, तो एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन कितने भागों में विभक्त है, तो ये 2 भागों में विभक्त है। एक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं, ये 2005 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी दोस्तों। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखना है आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में आया दोस्तों। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में आया, दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करता है, और शिशु मृत्यु दर और मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाता है, हर नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण भी करता है। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के साथ लिंग व जनसांख्यिकी संतुलन को भी निश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों नेशनल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँवों को प्रशिक्षित महिलाओं को आशा कार्यकर्ता में भी लगाया गया है, और आशा कार्यकर्ताएं बच्चों की और गांव की गर्भवती महिलाओं की देखरेख करती है और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना है उसके नाम से जाना जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, यह आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर बनाई गई है। तो एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को की गई। कब की गई? 25 सितंबर 2018 को। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आएगा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई, तो 25 सितंबर 2018 को की गई। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दिया गया है दोस्तों। अगर किसी गरीब के बच्चे को चोट लग जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो उसका 5 लाख का इलाज फ्री में किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा चुनिंदा हॉस्पिटलों में।
इसके अलावा दोस्तों सरकारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना भारत के 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को दी जाएगी। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस योजना के अंतर्गत सफल होने वाले मध्यम परिवार के परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना का 60% जो है कि, तो एमपीपीएससी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरुआत की गई, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2018 को की गई और इसमें जो निवेश है 60% जो है केंद्र सरकार करेगी और 40% जो है वो राज्य सरकार करेगी। 60% केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य सरकार करेगी और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2018 को की गई। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है दोस्तों, जिसे आयुष्मान योजना से नाम से जाना जाता है। ये 10 करोड़ से ज़्यादा बीपीएल परिवारों के लिए लक्षित की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है यह एक स्वास्थ्य की बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से की गई थी। यानी कि आज से कई साल पहले की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की तरह स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के अनुसार इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार बीपीएल कार्ड धारक थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्वास्थ्य संकट की वजह। तो एमपीपीएससी के लिए एक बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक बनता है दोस्तों कि स्वास्थ्य संकट की क्या वजह है, तो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे बढ़ती जनसंख्या। तो दोस्तों विश्व में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट के नाम से हम जिसे जानते हैं, और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और भारत में एकमात्र राज्य केरल ऐसा राज्य बन चुका है जहां दूसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व में कई ऐसे देश हैं जो जनसंख्या नियंत्रण को करने के लिए सराहनीय कदम उठा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें चाइना की, वहां पर दूसरा बच्चा पैदा करना एक ऑफेंस यानी अपराध के अंतर्गत आता है दोस्तों, और केरल में दूसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 का जुर्माना लगता है। और हमारे देश में ये बहुत दिनों से ये योजना चल रही है, हम दो हमारे दो। तो दोस्तों इसे सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है, अपनाने की भी जरूरत है ताकि हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या ही स्वास्थ्य संकट की एक वजह हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर आराम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण और निम्न प्रति आय और निर्धनता में वृद्धि होती है और कीमतों में वृद्धि होती है और बहुत सारी समस्याएं उठकर आती है दोस्तों। वर्तमान समय में भारत देश में इतनी ज़्यादा समस्याएं आ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ते ही जा रही है, महंगाई बढ़ते ही जा रही है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन दोस्तों महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ रही है दोस्तों, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जनसंख्या पर भी कंट्रोल अगर जल्द ही नहीं किया गया तो आने वाले 2050 के बाद भारत देश विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा और भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व भी विश्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरे देश की वाट लग जाएगी दोस्तों। तो अभी से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो बढ़ती जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब ही होता है दोस्तों पॉल्यूशन। हमारे देश में कहा जाता है कि गंगा नदी बहुत ही पावन नदी है, वहां पर जाने पर लोगों के पाप धुल जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों हमारे देश की गंगा नदी को इतना प्रदूषित किया गया है कि वहां का बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि एक जल में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए उससे उसका लेवल बहुत कम जा चुका है, जिसके कारण गंगा का जल भी दूषित हो गया है और वहां पर पाई जाने वाली डॉल्फिन भी संकटग्रस्त जातियों में आ चुकी है दोस्तों। तो इतना ज्यादा प्रदूषण का स्तर गिर चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्टेट आप ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2019 के मुताबिक वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 12 लाख भारतीयों की मौत जो है वो वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है, और इसी के कारण वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इवन ऑड सिस्टम लगाया था, जो आपको याद होगा 15 दिनों तक ये ट्रायल चला था, बाद में सब ठंडे हो गए और फिर बाद में ये योजना बंद कर दी गई। तो दोस्तों दिल्ली में इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है कि आपको लाल किला और वो दिखाई नहीं देंगे, आपको बहुत पास में जाके देखना पड़ेगा, ठंडे में बहुत कोहरा गिरता है और वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों दिल्ली एक ऐसी सिटी है कि वहाँ पर अगर एक व्यक्ति रहता है और वो दिन भर में कुछ भी अगर स्मोकिंग नहीं करता है तो 40 सिगरेटों के धुएं के बराबर
जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके फेफड़ों में चले जाते हैं, तो इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है दोस्तों दिल्ली में कि दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों वायु प्रदूषण को भी हमें कम से कम करने का भरकस प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और वायु प्रदूषण के कारण ही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है, और धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण 2050 के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि समुद्र तल के किनारे स्थित बसे शहर जैसे मुंबई जैसे शहर तो अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ग्लेशियर की बर्फ जब पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो मुंबई डूब जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभी चेतावनी है दोस्तों, अभी तो ट्रेलर देखा है आपने, मूवी अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों गरीबी की। तो गरीबी की समस्या भी दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण आती है, तो स्वास्थ्य नीति का गरीबी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत के लोग जो है दोस्तों, यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, और बहुत कम मात्रा में जो है बिजनेस है, व्यापारी हैं, और बहुत कम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ज़्यादा तबका जो है दोस्तों यहाँ पर खेती करता है और मजदूरी करता है। तो गरीबी, वैसे तो दोस्तों भारत विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, परंतु फिर भी यहाँ पर गरीबी का परसेंटेज घटने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए प्रतिदिन और शहरों में 47 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई थी, फिर भी गरीब बहुत लोग हैं दोस्तों। तो गरीबी रेखा को लेकर अलग अलग समितियों की अलग अलग राय है। तेंदुलकर फार्मूले में 22% आबादी को गरीब बताया गया था, जबकि सी रंगराजन की फार्मूले में 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया था। अब भारत में गरीब कौन है और कितने हैं, ये मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कि भारत में कम से कम 25% लोग तो गरीब हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास कोई व्यवसाय, उचित व्यवसाय और उचित धंधा पानी नहीं होता है, वक्त वक्त पर उनको धंधा और व्यवसाय ढूंढना पड़ता है, तो ये गरीब लोग होते हैं दोस्तों। भारत में 25% गरीबी है, तो गरीब लोग जो है वो 25% लोग जो है वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो ये स्वास्थ्य सेवा में गिरावट का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों खाद्य सुरक्षा की। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों में 103वें देश स्थान पर है। तो दोस्तों भूखमरी के इंडेक्स में भारत के लोग जो है 103वें स्थान पर है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी शादी में जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, तो थाली में खाना ना बचाए और पूरा खाना खाए और थाली में उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। तो दोस्तों भूखमरी के इंडेक्स में भारत अभी भी 103वें स्थान पर है, तो भोजन को बिल्कुल नाश ना करें और उसका बिल्कुल सदुपयोग करें। तो वहीं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक, देखो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के मुताबिक भारत जो है 119 में 103वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अंतिम छोर में बाउंड्री पे अपना स्थान है। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत जो है उसमें 4,66,00,000 बच्चे जो है वो कुपोषण के चलते उनकी लंबाई और वजन नहीं बढ़ता। 4,66,00,000 यानी 4.5 करोड़ लोग जो है वो अल्प पोषण यानी कुपोषण के शिकार हैं, और भारत जो है वो हंगरों की इंडेक्स में लास्ट में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखमरी और खाद्य असुरक्षाएँ जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके बाद में डॉक्टरों व अस्पतालों की कमी। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर डॉक्टर पर करीब 10,000 की जनसंख्या, 11,000 की जनसंख्या निर्भर है। तो दोस्तों भारत में एक डॉक्टर जो है वो 11,000 लोगों को संभालता है, और WHO के तय मानकों के मुताबिक जो है 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में एक डॉक्टर जो है दोस्तों वो पूरा 11 गुना ज़्यादा काम करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में ये आंकड़ा 10 गुना अधिक है। तो हमारे कोरोना काल में डॉक्टरों ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है, तो सभी कोरोना योद्धाओं को मैं सलाम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में स्वास्थ्य पर कम खर्च। तो दोस्तों स्वास्थ्य के ऊपर हमारे देश में कम खर्च किया जाता है, लोग जो है महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगा मोबाइल चलाएंगे, महंगा DTH का रिचार्ज कराएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कि अपने समय समय पर रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं कि BP हाई हुआ कम हुआ, शुगर वुगर सारी चीज़ों के ऊपर अप टू डेट नहीं होते हैं, परंतु कपड़े प्रॉपरली नया लेंगे, सब चीज़ नया नया करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर में कोई चेकअप नहीं, कोई ध्यान नहीं, यानी लापरवाही ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर कम खर्च करते हैं। तो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत
अपनी जीडीपी का मात्र 1 से 1.5% ही जीडीपी स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है, जो दुनिया के सबसे कम खर्च करने वाले देशों में है। तो दोस्तों, देश में करीब 7 लाख से अधिक डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देगा। लोग जो है एयर ब्रिज बनाएंगे बड़े बड़े, अब मैं क्या बोलूँ, बोल नहीं सकता दोस्तों आपको, सब कुछ बनाएंगे लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे। तो स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत जरूरी है, शिक्षा क्षेत्र बहुत जरूरी है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना भी जरूरी है। नहीं तो फिर अगर दोबारा कोरोना जैसी बीमारी आई तो फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमारे देश में डॉक्टरों ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है और बहुत ज़्यादा मदद की है। आगे बढ़ते हैं तो खर्चीला इलाज, दोस्तों हमारे देश में खर्चीला इलाज भी है। तो भारत में दवाओं की कीमत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और स्वास्थ्य के खर्च में हो रही बढ़ोतरी के कारण परिवारों की बढ़ती हुई आय और गरीबी कम करने वाली सरकारी योजनाओं को कमज़ोर कर रही है, जिससे लोग गरीब के गरीब ही रह रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएँ काफ़ी महंगी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, झोला छाप डॉक्टर, यह भारत के गैर सरकारी संगठनों का दावा है कि भारत में डॉक्टरों की कमी का फायदा उठाते हुए झोला छाप डॉक्टरों की तादाद तेजी से बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2016 में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में एलोपैथिक डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले 1/3 लोगों के पास मेडिकल की डिग्री नहीं है। तो दोस्तों, भारत में 33% ऐसे झोला छाप डॉक्टर है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, परंतु क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। भारत में तो 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, अब एक डॉक्टर सभी जगह अवेलेबल तो हो नहीं सकता है, तो झोला छाप डॉक्टरों से काम चलाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट को उचित कदम उठाना चाहिए और सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, नए मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए और इन स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति करने के लिए नए डॉक्टरों का प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, फैसला आपके हाथ है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम निजी अस्पताल की। तो भारत में करीब 72% जो ग्रामीण आबादी है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकारी क्षेत्रों का विस्तार नहीं हो रहा है। इस समस्या के चलते देश की बड़ी आबादी को पब्लिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर में जाकर महंगा इलाज करवाना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरकारी योजनाओं का अप्रभावी होना। तो सरकारी योजनाएं जो है वो कागजों पर सीमित रह गई है। बहुत सारी योजनाएं जो होती है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग बीमा योजनाओं के बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। अस्पताल मरीजों को इन स्वास्थ्य योजनाओं के बाद भी बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। भारत में हर साल करीब 55 मिलियन लोग स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के चलते गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। यानी कि इतना इलाज महंगा हो गया है दोस्तों कि लोग इलाज करा करा के ही गरीब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा स्वास्थ्य नीति पर बनाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसे बने। और दोस्तों, मैं ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो से MPPSC के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, लेकर आऊँगा आपके लिए एक नया और ताज़ा तरीन वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।